सभी और ईशान का एक जबरदस्त कनेक्शन है और वो कनेक्शन जो है वो आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि किस तरह से सभी ने बिना जाने ईशान का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया। ये अलग बात है कि इस ब्रेकफास्ट का नाम सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया ईशान और ईशान ने सभी को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि ईशान ने ही तुम्हें भेजा है ना। जिसके बाद यहाँ पर सभी को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है बार बार आप ईशा मैम का नाम क्यों लेते हैं जबकि मुझे तो पता भी नहीं था कि आप उनके बेटे हैं, मुझे तो यहाँ पर आकर पता चला। खैर यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पहले आज के एपिसोड तुम्हें किसी के प्यार में आप देखने वाले हैं कि सभी जो है बहुत ही अमेजिंग ब्रेकफास्ट बनाती है, सभी बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट होता है वो भी बेहद ख़ास होता है क्योंकि ये होता है ईशान का फेवरेट नाश्ता। और जैसे ही ये नाश्ता देखता है ईशान, उसे अपने बचपन की याद आ जाती है कि कैसे यही सेम नाश्ता जो है उसकी आई खिलाया करती थी उन्हें। और ये जो नाश्ता था तीखा चीरा मीठा चीरा यानी कि उपमा, इसमें मीठा उपमा और जो तीखा उपमा यानी कि आप सबको पता ही है कि जो नमकीन उपमा होता है वो भी, तो दोनों ही उपमा का एक कॉम्बिनेशन जो है वो सभी बनाती है और ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है वो ईशान को काफ़ी परेशान कर देता है और अपनी पुरानी यादें जो है उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है जब उसकी आई यानी कि ईशा जो है उसे बचपन में तीखा चीरा मीठा चीरा जो है वो खिलाया करती थी कि ताकि जो है ईशु को बहुत ज़्यादा तीखा ना लगे। और मीठा और तीखा ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ करता था और ये जो है ईशान का फेवरेट नाश्ता भी है। इतने सालों बाद ये नाश्ता देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, उसे लगता है पूरी तरीके से कि इसको भेजा है ईशा ने। और फिर वो ये बात बोलता है कि तुम्हें ईशा मैम ने ही भेजा है, मुझे पता है, और तुम ये सब कुछ जो नाटक कर रही हो और तुम्हें यही ब्रेकफास्ट बनाना था। जिसके बाद यहाँ पर जो सभी है वो समझ नहीं पाती कि आखिर इस ब्रेकफास्ट से प्रॉब्लम क्या है। बाद में अब पता चलेगा कि ये ईशान का फेवरेट ब्रेकफास्ट हुआ करता था और उसकी आई ये ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाया करती थी। अब यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो अब आपको देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर सारी चीज़ समझने और सोचने के बाद अब सभी बड़ा कदम उठाने जा रही है और सभी जो है वो यहाँ से जा रही है। ये देखकर ईशान एक पल को तो बहुत खुश हो जाता है। जी हाँ, जैसे ही सभी बाहर का रास्ता अपनाती है यानी कि वो बाहर जाने वाली होती है, वैसे ही यहाँ पर ईशान बहुत खुश होता है कि फाइनली अब सभी जा रही है। आपको बता दें कि अब जो है आने वाले एपिसोड में आप बहुत ज़बरदस्त धमाका देखेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे कि सभी जो है वो किसी भी हालत में अपने कंप्लेंट को वापस नहीं लेने वाली, वो धरना प्रदर्शन करने वाली, वो मीडिया को बुलाने वाली है। और ये देखकर यहाँ पर ईशान डिसाइड करता है कि वो अब रेस्टिकेट करेगा। लेकिन तभी जो है कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि यहाँ पर जो आयुष है वो खुद ही अपना गुनाह कबूल करेगा और फिर यहाँ पर सभी उसे माफ़ कर देगी, जिसके बाद ईशान के मन में सभी के लिए बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट बढ़ जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी एंड बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए फिल्म बीट सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।